Dear students, this is your teacher Rubeika Deel. Welcome back to our knowledge spot. Dear students, now we have to discuss group number 2 of paper 2021. So the very first question is that is to define reciprocal equation, and the next is solve another question that is, yes, you can see the question here. Or ye question, I haven't solved this question because already in some other previous paper we have solved this question. The next is क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से क्वेश्चन सॉल्व होगा. यू कैन सी अंडर रूट 3x² प्लस x माइनस 4 अंडर रूट 3 इज इक्वल टू 0. एंड नाउ बिकॉज यू हैव टू सॉल्व दिस विद क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, सो द मेथड इज कंपेयरिंग दिस इक्वेशन और इसको सॉल्व कर दें या कंपेयर कर दें. ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0. तो जब कंपेरिजन करते हैं तो यहाँ पर ए की वैल्यू आपके पास क्या है, अंडर रूट 3, बी इज इक्वल टू 1 एंड सी इज इक्वल टू माइनस 4 अंडर द रूट 3. Now, because this question is solved with the quadratic formula, so here is the quadratic formula, minus b plus minus under the root b square minus 4ac divided by 2a. Now, one by one, just substitute the value. The most important thing in this question, कि आपने यहाँ पर थोड़ा फोकस करना है कि जब आप इनको मल्टीप्लाई करेंगे, पहली बात माइनस माइनस प्लस, नंबर टू 4 4s are 16, एंड अंडर द रूट बिकॉज इट इज़ रिटन टू टाइम्स यू हैव टू टेक द स्क्वेयर, तो स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल होगा. और यहाँ पर ये जो 2a है एज इट इज़, मैंने इसको यहाँ से अलग से इस तरह से फ्रैक्शन लिखे और यहाँ पर लिख दिया साइड पे. आप चाहें तो इसको यूँ ही कंटिन्यू रखें इसी तरह से. तो यहाँ पर ये कैंसिल होगा, 16 3s are 48 48 + 1 49, ये एज इट इज़ होगा. और जो ये टर्म है ये सिंपल यूँ ही चलती रहेगी. उसके बाद जब आप 49 का स्क्वायर रूट ले लेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 7. 49 का जो स्क्वायर रूट लेंगे तो 7 आएगा. अब एक दफ़ा आपने क्या करना है, इसको क्योंकि दो साइन है, पॉजिटिव नेगेटिव, इधर x इज इक्वल टू पॉजिटिव के साथ लिखें और नेगेटिव के साथ. ये आपके पास आएगा 7 - 1, दैट इज़ 6. 2 1s are 2 2 3s are 6. एंड यहाँ देखें इसको -8 आएगा, 2 1s are 2 4s are 8. माइनस एज इट इज चलता रहेगा. चाहे यहाँ पर स्टॉप कर दें, लेकिन अगर आपको क्लास 9 में आपने पढ़ा है, इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो स्क्वायर रूट 3 होगा. इसको रैशनलाइज करने से आपको ये वैल्यू मिल जाएगी. बट मैं आपसे कह रही हूँ अगर आपको वो नहीं आता तो यहाँ पर भी स्टॉप करें, नो मोर प्रॉब्लम, दिस इज द आंसर विल बी राइट. ओके, एंड पे लिखें सोल्यूशन सेट, मतलब सोल्यूशन सेट की फॉर्म में इसका आंसर मेंशन करें, तो ये है आपका आंसर. नेक्स्ट देखें आप, आपके पास क्या है, डिस्कस नेचर ऑफ द रूट्स. आपने जो रूट्स हैं उनकी नेचर बतानी है कि वो किस किस्म के हैं, वो रैशनल हैं, वो इरेशनल हैं, वो इक्वल हैं, अनइक्वल, ये चीज़ बतानी है, जिसके लिए आपको डिस्क फाइंड आउट करनी पड़ती है. आपके पास जो ए है वो 3 है, बी 7 है, सी -13. आप फॉर्मूला लिखेंगे, डिस्क इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4 ए सी. अब आप क्या करेंगे कि यहाँ पर डिस्क में इसकी वैल्यूज पुट कर देंगे. योर आंसर इज 205, जो कि आपके पास एक पॉजिटिव नंबर है, नंबर वन. दूसरा, ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, मीन्स इट इज़ ए नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर. तो हम क्या लिखते हैं, अगर कभी ऐसा हो तो लिखेंगे, सिंस द डिस्क इज पॉजिटिव एंड नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, द रूट्स आर इरेशनल. इरेशनल है तो रियल तो ऑफकोर्स है, एंड अनइक्वल. तो ये चीज़ आप मेंशन अगर नहीं करते करेंगे तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे, बिकॉज एक्चुअली ही इज आस्किंग द नेचर ऑफ द रूट. सो यू हैव टू हैव मेंशन दिस पॉइंट. नेक्स्ट 28 क्वेश्चन देखें, ओमेगा स्क्वायर मालूम करना है. ये हम ऑलरेडी किसी ग्रुप में पहले कर चुके हैं. राइट क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैविंग रूट्स है, इसमें बच्चे, मेरा ख्याल है ये क्वेश्चन हम कर चुके हैं, लेकिन मैंने किया है इसलिए कि आप जो हमेशा गलती करते हैं, देर आर सम स्टूडेंट हु स्किप दिस पोर्शन, वो इक्वेशन को लिखते ही नहीं है. साफ लिखा हुआ है कि राइट क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और उसकी जो इक्वेशन हम खुद से बनाते हैं वो क्या है, देखिए पहले तो आप रूट्स को सम करेंगे, माइनस वन को माइनस सेवन में ऐड करेंगे तो माइनस एट है, प्रोडक्ट करेंगे तो 7 1s are 7 आपके पास है. इसको आप इसकी सम की जगह माइनस एट लिखें, वैल्यू पुट करें. यहाँ याद रखें ये माइनस ही होगा, ये पॉजिटिव नहीं है, माइनस माइनस प्लस, और ये है आपकी सिंपल इक्वेशन. नेक्स्ट देखें, इफ़ द रेशोज दिस एंड दिस आर इक्वल, तो आपने एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है. ये हम जो इसका ग्रुप वन था उसमें कर चुके हैं क्वेश्चन सेम. अब यही क्वेश्चन देखें, इफ़ ए प्रोपोर्शनल है बी स्क्वायर के. अब बारी बारी इस क्वेश्चन को मैं पूरा रीड भी नहीं कर रही, वन बाय वन रीड करते हैं, सॉल्व करते हैं. तो यहाँ तक ये पिंक कलर में जो है ये क्वेश्चन है आपका. नेक्स्ट देखें, ए प्रोपोर्शनल है इसके, इसका मतलब इसको हटा दें तो के बाय बी स्क्वायर. हमारे पास ए की जो वैल्यू है, क्वेश्चन को देखें तो 3 है और बी की वैल्यू 4 है, वो लिखें 4 स्क्वायर है, तो स्क्वायर को नहीं भूलना. क्वेश्चन गौर से देखें, बी का स्क्वायर है 16 आर डिवाइडर है, वहाँ जाके मल्टीप्लाई होगा, 48 आएगा. दोबारा से वही मेन इक्वेशन लिखेंगे, हमने फाइंड करना है ए और हमारे पास बी की वैल्यू क्या है, 8 आई है. ठीक है, तो बी की वैल्यू यहाँ लिखें आपके पास, के की वैल्यू 48 ये वाली, और बी का क्या है स्क्वायर ज़रूर लेना है, 8 8 = 64. इसकी कैंसिलेशन करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 3/4. नेक्स्ट देखें, जो आपका क्वेश्चन है
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, ये नंबर था 31, अब है 32. 32 में आपने मीन प्रोपोर्शन मालूम करना है. तो देखिए मीन प्रोपोर्शन हम मालूम करेंगे. फाइंड मीन प्रोपोर्शन बिटवीन दिस. मीन प्रोपोर्शन मतलब हमें सेंटर में कोई नंबर इंट्रोड्यूस कराना है, एक ऐसा जो पहले से एग्जिस्ट नहीं करता. लेट m बी द मीन प्रोपोर्शन. आप m की जगह जो भी लिखें, जो ना x हो ना y हो, उसके अलावा जो भी लिख सकते हैं. देन इसका रूल क्या है कि सेंटर में दो उस नंबर को दो बार लिखेंगे और प्रोडक्ट ऑफ मीन इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम. m इज को m से मल्टीप्लाई करेंगे m स्क्वायर होगा. इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, इसका फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, x प्लस वन से कैंसिल होगा और x माइनस वाई का होल स्क्वायर. क्योंकि हमें m फाइंड करना है, m स्क्वायर फाइंड आउट नहीं करना. तो हम क्या करेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड. तो ये आपके पास ये कैंसिल होगा तो प्लस माइनस एक्स माइनस वाई की वैल्यू आ जाएगी. नेक्स्ट देखें, हमने डिफाइन करना है रेशनल फ्रैक्शन को. इसकी आपने डेफिनेशन लिखनी है, रिजोल्व इनटू पार्शियल फ्रैक्शन. वी ऑलरेडी हैव डन दिस क्वेश्चन इन सम प्रीवियस पेपर. रिजोल्व का मतलब है इसको कम्प्लीट आपने टिल एंड तक आपने ए और बी की वैल्यू फाइंड करके उसकी पुटिंग भी करनी है. हमने वो क्वेश्चन करना है. स्टेट डिमॉर्गन्स लॉ मीन्स आपने उसकी दोनों की जो स्टेटमेंट डिमॉर्गन्स की दो स्टेटमेंट है उनको लाजमी लिखना है. नेक्स्ट देखिए, हमने एक्स इंटरसेक्शन वाई मालूम करनी है. अब देखें एक्स इंटरसेक्शन वाई है, इसका मतलब एक्स को आपने पहले लिखना है और वाई को आप बाद में लिखेंगे. तो इंटरसेक्शन मालूम करेंगे तो 49 मीन्स कॉमन नंबर. अब ये क्वेश्चन हमारे प्रीवियस ग्रुप में था, सो आई जस्ट बाई चांस मैंने इसको कर दिया. ये हमने पहले भी ग्रुप वन में आ चुका है. नेक्स्ट देखें, 5.3 का क्वेश्चन है आपके पास. फाइंड ए एंड बी इफ दिस इज इक्वल टू दिस, यानी कि दो ऑर्डर पेयर बराबर हैं, आपने ए और बी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. अभी उसने कह दिया है कि ए और बी की वैल्यू फाइंड करें, दोनों ऑर्डर पेयर इक्वल हमारे हैं. तो बाय कंपेयरिंग पहला नंबर पहले के इक्वल, दूसरा नंबर दूसरे के इक्वल. अब देखें यहाँ से माइनस टू एज इट इज़ रहेगा. अब ये ए प्लस है, यहाँ पर माइनस होगा. माइनस सेवन एज इट इज़, थ्री प्लस है, यहाँ पर माइनस होगा. माइनस माइनस प्लस माइनस टेन, माइनस टेन और टू प्लस वन दैट इज़ थ्री. माइनस की दोनों तरफ कर देंगे कैंसिलेशन. 3 मल्टीप्लाई वहाँ जा क्या हो जाएगा, डिवाइड. यहाँ से देखें 2 भी प्लस है, यहाँ पर माइनस. 1 माइनस है, यहाँ पर प्लस. 5 प्लस 1 दैट इज 6. यहाँ का माइनस यहाँ शिफ्ट कर दें तो b की वैल्यू भी आपको मिल गई. नेक्स्ट देखें, डिफाइन मॉड. मॉड की डेफिनेशन लिखनी है. व्हाट इज़ हिस्टोग्राम, अगेन डेफिनेशन. डिफाइन स्टैंडर्ड डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन की जो अपने डेविएशन की डेफिनेशन लिखनी है. डिफाइन द रेशियो एंड ऑल्सो गिव एन एग्जाम्पल. रेशियो की एग्जाम्पल भी लिखें और उसकी डेफिनेशन भी लिखें. अगेन फ्रॉम 3.3 थर्ड प्रोपोर्शन मालूम करना है. थर्ड प्रोपोर्शन में क्या करते हैं स्टूडेंट्स, जो नंबर 4 है, जो यानी कि सेकंड नंबर है, उसको टू टाइम्स लिखते हैं और एंड पे कोई अननोन नंबर इंट्रोड्यूस कराते हैं जो ऑलरेडी एग्जिस्ट नहीं करता. प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन. 28y, 4 4s are 16, 28 मल्टीप्लाई वहाँ पर डिवाइड कर दें, कैंसिलेशन करें तो आपको मिल गया 4/7. नेक्स्ट देखिए, थर्ड प्रोपोर्शन मालूम करना है. इसका लिख दें एंड में. सो थर्ड प्रोपोर्शन इज 4/7. ये क्वेश्चन है आपके पास. 315.18 डिग्री को, ये डिग्री में है, इसको आपने डेसिमल सिस्टम में, वो बोलते हैं जिसको हम सेक्सागेसिमल सिस्टम बोलते हैं, उसमें लेके जाना है. अब देखें इसको मैंने कैसे किया है. आपको पता है कि अगर कोई भी नंबर हमारे पास, लेट सपोज करें अगर ये 1.5 लिखा है, तो हम लिख सकते हैं 1+0.5. तो सिमिलरली हम इसको यूँ ब्रेक करते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं, डिग्री इसके ऊपर आएगा. अब देखें ये जो डिग्री है दोनों नंबर्स के ऊपर इंडिविजुअली आ जाएगा, इसके ऊपर अलग, इसके ऊपर अलग. अब हम डिग्री से जब मिनट में जाते हैं, ये इस टेबल को देखें, डिग्री से मिनट में जाएंगे तो 60 से मल्टीप्लाई करेंगे, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 10.8 आएगा इसके ऊपर मिनट, आपने यूनिट्स लगा देने हैं. अब दोबारा से 10.8 को ब्रेक करेंगे 10+0.8. अब ये जो इसके ऊपर यूनिट है, ऑफकोर्स ये दोनों ब्रैकेट्स के अंदर जो नंबर है दोनों के ऊपर आएंगे, ये तो मिनट्स में चला गया. अब ये डेसिमल में, इसको दोबारा किस में, 60 में, मिनट सेकंड्स में लेके जाना है इसको. दोबारा से जब हम मिनट से सेकंड में आ जाते हैं तो फिर से 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इसका आंसर आ जाएगा. और जैसे ही आपके सारी कन्वर्जन हो जाएगी तो इन प्लस के साइन को हटा के लगा दें, इसकी जो एक्चुअल फॉर्मेट है वो ऐसा होता है. तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं. ओके, नेक्स्ट देखें 43 जो हमारे पास क्वेश्चन है, उसके बाद है जनाब कन्वर्ट करना है इसको आपने डिग्रीज में. ये क्वेश्चन देखें बिल्कुल इसका ऑपोजिट है, ये डिग्री में है, इसको आपने सेक्सागेसिमल में लेके जाना है. ये आपके पास रेडियंस में है, इसको डिग्रीज में लेके जाना है. ये बिल्कुल डिफरेंट है इसे, हमें पता है. ये हमने क्वेश्चन लिख दिया, हम इसके साथ अगर रेडियंस नहीं भी है, अगर पाए है तो साथ रेडियन प्रेजेंट है आपका. ओके, हम इसको लिखते हैं
हम इसको यूँ मेंशन कर दे रहे हैं ब्रैकेट में 1 रेडियन। अब 1 रेडियन की जो हमारे पास वैल्यू है वो है 180 बाय पाई, बिकॉज हम डिग्रीज में जा रहे हैं, पाई पाई से कैंसिल होगा। देखें सिंपल, इसके आपने कैलकुलेशन कर दी तो ये डिग्रीज में आ गया। ओके, डिग्रीज में आ गया। फर्दर क्योंकि ये अभी क्वेश्चन और सॉल्व हो रहा है, हम इसको फर्दर सॉल्व कर सकते हैं। तो हमने इसको कैसे लिखा, 157.05 रिसेंट, अभी जैसे हमने पीछे क्वेश्चन को किया है। तो हम क्या करेंगे, इसको 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या चला जाएगा मिनट्स में, तो ये इसका क्या है वो प्रॉपर फॉर्म में आंसर आ गया है। अब देखें आपने 44 क्वेश्चन में क्या करना है, छोटा सा क्वेश्चन है 7.4 का। ये 1 - sin² है, 1 + tan² 1 - sin² cos² के बराबर होता है। ये आइडेंटिटीज़ से हमने इसकी वैल्यूज़ निकाली हैं। और 1 + tan² जो है वो secant² के बराबर है, secant² 1 / cos² होता है, cos² से कैंसिल, यू विल गेट 1। तो लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। नेक्स्ट देखें, व्हेन थीटा इज इक्वल, फाइंड थीटा करना है, एल की वैल्यू और आर की वैल्यू आपको पता है। हमारे पास ये 7.2 का क्वेश्चन है, एल इज इक्वल टू आर थीटा जो फॉर्मूला है, हमें थीटा मालूम करना है, तो इनकी वैल्यूज लिखें, दोनों को डिवाइड करें, सो यू विल गेट योर आंसर। नेक्स्ट देखें हमारे पास जो क्वेश्चन है, यहाँ देखें एक्सप्रेस एंगल इंटू रेडियंस। अब ये हमारे पास जो एंगल है इसको रेडियंस में लेके जाना है, मतलब ये डिग्रीज में है। वी नो दैट 2 π रेडियन, ये आप लिख लें अपने लिए कि इन्फॉर्मेशन के 360 डिग्री के बराबर है, 2 × वहाँ पर डिवाइड होगा, π रेडियन 180 डिग्री। हमें 1 डिग्री की वैल्यू चाहिए तो 180 को यहाँ शिफ्ट कर दें, 135 को ब्रेक करें तो 1 डिग्री ऐसे साइड पर लिखें। अब 1 डिग्री किसके बराबर है, इसके 135 को 180 से डिवाइड करेंगे, 3/4 π मिल जाएगा और ये रेडियंस में इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारे ग्रुप वन में भी ये क्वेश्चन आया है तो वो मैंने सॉल्व नहीं किया क्योंकि ग्रुप वन में हम इसको कर चुके हैं। डिवाइड एन आर्क ऑफ एनी लेंथ इनटू 4 equal parts, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, दैट्स व्हाई आई हैवन सॉल्व इट। सो यहाँ पर हमारा जो 2021 का जो पेपर था वो हम कर चुके हैं, ठीक है। और कुछ क्वेश्चन क्योंकि रिपीटेड होते हैं ग्रुप वन में से जो क्वेश्चन आते हैं, काफ़ी सारे ग्रुप टू में भी वो सेम होते हैं, तो बस यहाँ तक ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। नाउ आई विल सी यू इन द नेक्स्ट ग्रुप, दैट इज 2022। सो खूब प्रैक्टिस करें, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।